मैं अदालत की संतुष्टि के लिए गवाह के तौर पर डॉक्टर के चमनलाल को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। हाँ तो डॉक्टर चमनलाल, आप आशा देवी को कब से जानते हैं? करीब 2 साल से, जब से इनकी शादी कपिल के साथ हुई थी। आप 20 अगस्त का वो वाक्या अदालत के सामने बयान करेंगे जब आप आखिरी बार आशा देवी के घर बच्चे को दवा पिलाने गए थे? जी हाँ, उस दिन इनके पति कपिल मेरे क्लिनिक पर आए और बताए कि उनका बच्चा सुबह से लगातार रो रहा है। क्योंकि सुबह का वक्त था और क्लिनिक पर मरीज नहीं थे, तो मैं इनके घर चल दिया। घर पर क्या हुआ? मैंने देखा कि बच्चा लगातार रो जा रहा था। मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ठंड के कारण बच्चे को निमोनिया हो गया है। फिर आपने क्या किया? मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखकर आशा देवी को दिया और किसी केमिस्ट की दुकान से दवा लाने के लिए बोला। मैंने दवा पिलाने का तरीका भी बताया उन्हें। डॉक्टर चमनलाल, आपको अच्छी तरह से याद है कि वो दवा आपने अपने हाथों से लिखी? जी हाँ। कौन सी दवा लिखी थी आपने? सिफिलेक्टिन सिरप लिखा था मैंने। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं अपने क्लिनिक चला गया अपने मरीजों को देखने। तो डॉक्टर चमनलाल, आपको कब पता चला कि बच्चे को जहर दे दिया गया है? उसी दिन लगभग 4 बजे कपिल अपने बच्चे को गोद में लिए हुए घबराया हुआ मेरे क्लिनिक पर आया। बच्चे के मुंह से झाग निकल रहे हैं। इसे तो बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। लक्षण तो जहर के लग रहे हैं। वक्त जाया मत करो, निरीक्षण के लिए से तुरंत बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। लेकर चलो इसे। अस्पताल में प्रॉपर एग्जामिन के बाद ये पाया गया कि बच्चे को कीटनाशक दवा ही पिलाई गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जब बच्चे की हालत में सुधार आने लगा तो कपिल ने मुझे बच्चे के पास कुछ देर रुकने के लिए कहा ताकि वो घर से पैसा ला सके, और फिर कपिल घर चला गया। ये दवा लाइए। हाँ ये ठीक है। सुबह शाम एक एक चम्मच पिलाइए, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। एक चम्मच अभी पिलाइएगा, एक शाम को। जी ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, ठंड से बचाइए और दवा पिलाते रहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ, आइए डॉक्टर। जब ओखली ने सब दिया ही है तो मुझसे से क्या डरना? ए, काम कर काम, हंसती क्यों है? आपको देखकर मालिक। चल चल कुर्सी टेबल लगा जा। जी मालिक। नाश्ते का कहीं का न, खुद हंसता है न दूसरों को हंसने देता है। टाइम खत्म होने के वक्त पर कहता है काम करो काम। मैं तीखे अब डालकर आती हूँ। अरे तो कहाँ जा रही है? टाइम तो खत्म हो गया है ना, सुन ना रही है क्या? टेबल कुर्सी लगाने के लिए कह रहा है। चलो हम मजदूर ले लेते हैं। चलो मजदूरी लेने के लिए तो बड़ी फुर्ती दिखाते हो, काम के समय में फुर्ती कहाँ चली जाती है? वो क्या है मालिक की, काम गुलामी है, मजदूरी लेना। हाँ दादी। कलुआ तो बहुत बोलता है। पैट कॉल। हाँ पैट कॉल। हर कॉल चलो अंगूठा लगाओ। चल लगा। हाँ ये पकड़ो, आगे बढ़ो, आ जा। सब ठीक है ना? आपकी मेहरबानी है मालिक। अरे मेहरबानी ही तो है कि तुम्हारे एक कहने पे इसको काम पर रख दिया। चल अंगूठा लगा, अंगूठा लगा। लगा ये ले। क्या नाम है तुम्हारा? सुशीला। बहुत बढ़िया नाम है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नाम है सरकार। चुप, अंगूठा लगा, ला ला ला। अपने काम से मुझे भी खुश रखना, समझ गई ना? हाँ ये ले। अरे ये अंगूठा कहाँ लगा दिया? वो क्या है मालिक, अंगूठे के तो आंख होती नहीं है ना। अरे सब चलो अंगूठा लगा। क्या लगा? कलुआ। हाँ मालिक। अरे ये बात काम की जगह है कि अनाथालय? ये बच्चे कहाँ से आ गए? अपने घर से मालिक, मेरा मतलब कोई मजदूर लाया होगा। अरे पूछ पूछ किसके आए ये? ये बच्चे किसके है? ये मेरे बच्चे हैं साहब। अरे तेरे बच्चे हैं, तुमको घर पे रख।
काम पे क्यों लेके चली आई? घर पे कोई नहीं है साहब ध्यान रखने वाला, इसलिए अपने साथ लेकर आई हूँ। नजर के सामने रहेंगे ना। अरे लेकिन मेरी नजर में तो छुपते हैं ना, बच्चा रोएगा तो काम छोड़ के दूध पिलाने के लिए दौड़ जाएगी। मेरे मेरे हैं बच्चे। अरे बाप रे। अरे साहब अरे अरे अपना काम करो, चलो कर रहे हैं सरकार। जानता हूं मगर ध्यान दो है, अगले महीने के पहले हमें यह काम पूरा करना है। आप थोड़ा ज्यादा काम कीजिए, ज्यादा मजदूरी पाइए। अब रोज 50 रुपए की जगह अब आप सबको रोजाना 60 रुपया मजदूरी मिलेगी। जो 10 रुपए की बढ़ोतरी कम है क्या? ऐसी बात नहीं है साहब, आपकी बात तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रही है। इसमें समझने जैसी क्या बात, रोज 50 रुपए मिलते थे अब 60 मिलेंगे। क्या बात है मुकालब, ये क्या बताएंगे साहब, हम बताते हैं। बताओ काका तुम्हें रोज कितनी मजदूरी मिलती है? 30 रुपए सरकार। और प्रभा तुम्हें? 30 रुपए। और सरोज तुम्हें? 30 रुपया। सुन लिया ना सरकार, इसीलिए आपकी 50 और 60 की बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी। अरे अरे ये सब झूठ है सरकार, मैं लोगों से सख्ती से काम लेता हूँ, इसीलिए सब मिलकर मुझे पहुंचाना चाहती है। ए, एक चलना। ये देखिए मुझे, ये देखिए जो लिखा है वो दिया है। आप लोगों में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं सरकार, तभी तो अंगूठा लगाते हैं और धोखा खाते हैं। कल से ऐसा नहीं होगा, आप सब लोग 60 रुपया गिन कर लीजिए, समझे? मुकदम जही मलिक सरकार बुला रहे हैं। मेरी पुस्तक कितनी चाहिए? ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं है, जाओ तुम्हारी छुट्टी। मगर बड़े साहब तो कह रहे थे अभी काम बहुत है। वाह 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 वाह, बड़े साहब बोले तो वो बात समझ में आई, और मालिक मुकदम बोले तो समझ में नहीं आई है। कल बहुत पटर पटर कर रहे थे ना साहब के सामने, आज हो गई ना छुट्टी। हमें काम की बहुत जरूरत है साहब, काम पे रख लो ना। अरे दादा बोला ना काम नहीं है, जब होगा तो बुला लूंगा। चलो सर मत खड़ी रहो, चल चल। अरे जाओ भाई साहब, सबकी शिकायत कर लो, काम पे रख दो। कल इसकी पोल खुल गई थी ना, इसलिए वो हमसे सबसे बदला ले रहा है। लेकिन और लोग तो काम कर रहे हैं, जो उसकी शर्त मानेगा वही उसका काम करेगा। रिकॉर्डन से दुश्मनी लेके यहाँ कोई टिक सकता है? हे भगवान, दिन दहाड़े कैसे लूट मचे हैं, मगर क्या करें, जितना मिल जाए वही बहुत है ना। तू आ मेरे साथ, चला आ। मालिक सब बहुत गरीब लोग हैं, काम करेंगे तो पेट भरेगा ना। आप तो रख लो ना काम पे, थोड़ा बहुत जो कुछ मिल जाएगा उसी में गुजारा कर लेंगे। अरे सरोज की बात थी, ज्यादा सिफारिश करोगी ना तो तुम्हारे लिए भी यहाँ काम बंद हो जाएगा, समझी? जा। अरे हट ना भाई, कहाँ सर पे खड़ी है, चल। थोड़ा बहुत में काम चला लेंगी ये। हाँ मालिक। अरे इतना बड़ा साहब आदमी यहाँ आ गया। अरे सुनो इधर इधर आओ सब लोग। अरे जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। सुनो सब लोग जाके जल्दी जल्दी काम करो, शिकार का मौका नहीं मिला रही है। और सुनो बड़े साहब से कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझो? जाओ अरे खड़ा खड़ा मेरा थोड़ा क्या देख रहे हो, वक्त मत बर्बाद करो भाई, जाओ काम पे लगो, शिकायत का मौका नहीं मिला रही है। जाओ चार मालिक में देखता हूँ यहाँ, जाओ 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 जाओ। देखा कुत्ते की दुआ कैसे सीधी हो गई। नमस्कार सरकार। नमस्ते। ये सब ये लो। कितना लिखा है? कितना लिखा उतना दिया। काका मैं तुम्हें देखो कितने लिखे हैं। मालिक मकाजम तुम्हें पढ़ना नहीं आता, दस बार में चलो ये लो। तुम अपना 60 रुपये। हाँ सबकी तीसरी आंख खुल गई है, वह भी अपनी आंखें खोल लो। जब चलो लो 60 रुपये। चलो
सच करो। सच कर।